Hi everyone, welcome back to yuvidyarthi.in. This is Imanshi Bhatia and today we are going to discuss introduction ka last part jisme hi hum padhne wale hai mean value theorem aur Rolle's theorem. To aksar Rolle's theorem pehle padhai jati hai aur uske baad uska extension yani iska bada form mean value theorem padhai jati hai. Lekin main pehle aapko MVT that is mean value theorem karungi aur uske baad main karungi Rolle's theorem kyunki Rolle's theorem is a specific case of MVT मुझे ऐसा लगता है कि जो Rolle's theorem है वो इसका बालक है ठीक है this is the बाप theorem तो हमें पहले ये पढ़नी है ये भी बहुत easy है तो ये करने के बाद जब Rolle's theorem पढ़ोगे तो तुम कहोगे अरे इतनी सी बात है तो बहुत easy है so we are going to discuss MVT first क्या कहती है देखो definition से पहले formal statement से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी चित्रकारी से बता दूँ कि MVT कहना क्या चाहती है मान लो कि हमारे पास कोई इस तरीके का कर्व है ठीक है जी थोड़ा और कर्वी सा बना देते हैं सुंदर सा ये हमारे पास कर्व है राइट आगे भी चल रहा है हमें मतलब नहीं है बट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ठीक है जी ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी कौन सी एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ठीक है जी और जो ग्राफ है वो है एफ एक्स का ग्राफ फंक्शन का नाम मैंने दे दिया एफ एक्स राइट अब ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी ये कौन सी वैल्यू होगी एफ ऑफ ए भाई फंक्शन की वैल्यू आपने इस पॉइंट पे देखी तो वो एफ ए हो गई इसी तरीके से इस ग्राफ पर एक्स अगर ये है तो y कितना होगा y तो एफ एक्स के बराबर होता है ना तो y यहां से हो गया कितना f of b so this is fb facebook ठीक है जी तो अब ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट की मेरे को बात करनी है अब देखो टेंजेंट यहां पे कुछ लिख रही हूं जिसमें तुम्हें दिमाग नहीं चलाना बस देख लो इसको अगर तुम्हें आता है पहले से नॉलेज है इस चीज की तो तुम्हें एक सेकंड में समझ में आ जाएगा अगर नई नॉलेज है नहीं पता है तो इसमें घुसने की जरूरत नहीं है जो लिख रही हो एक बार बस इसको देख लो टेंजेंट वाई डैश यानी कि डेरिवेटिव और टैन थीटा इनका आपस में कनेक्शन है ठीक है जी कनेक्शन है तुमने हो सकता है ये पहले पढ़ा हो कि जब भी हमें टेंजेंट किसी कर्व की निकालनी होती है तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं उस कर्व की जो भी इक्वेशन होती है राइट जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसका डेरिवेटिव कर दोगे तो तुम्हें टेंजेंट मिल जाएगी और तुम्हें पता है कि ये जो टैन थीटा लिखा हुआ है ये टैन कहाँ से आया ये टेंजेंट थीटा होता है जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं टैन लिखते हैं ठीक है तो टेंजेंट जिस तरीके से लाइन जा रही है टैन थीटा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और डेरिवेटिव इनका आपस में कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है अगर तुम्हें समझ आ गया है ये चीज पता है पहले से तो वेल एंड गुड अदरवाइज मैं दो मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्या है कर्व मैंने इस तरीके से ये ट्राइंगल बनाया मान लो चलो डार्क में बना दिया ये मैंने ट्राइंगल बनाया अब इस ट्राइंगल के अगर मैं तुम्हें बोलूं अंदर कि ये वाला एंगल बताओ इस एंगल का टैन बताओ तुम क्या बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भाई पढ़ा था ना 11th में पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला टैन थीटा कैसे निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से तो अगर इस ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूं तो मुझे टेंजेंट मिलेगा इस एंगल का और अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनको छोटा करता जाऊं यानी कि पी को भी छोटे करते जाऊं और बी को भी बेस को मैं बहुत छोटा 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 करती जाऊं ये ट्राइंगल छोटा होता जाएगा जब ये ट्राइंगल छोटा होता जाएगा ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ये भी छोटा होता जाएगा और लास्ट में कहीं जाके ना ये इतना छोटा हो जाएगा एक पॉइंट के बराबर और जब कोई लाइन किसी कर्व को ये कर्व है ना हमारा एक पॉइंट पे टच करती है उसे क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं ना तो इसमें डीपली तो मैं प्रूफ करना नहीं है बस दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना है कि हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे और उसको बहुत छोटा करते जाएंगे टेंजेंट तक पहुंचने के लिए ठीक है अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी हो मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है
बी यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस का बी का इसको हटा दिया मैंने कि ए बी सी का एंगल है जो ए सी की वैल्यू है, कैसे निकलेगी? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू की निकालने के लिए वाई एक्सिस पे देखोगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाओगे क्या मिलेगा? एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है? और बी सी निकालोगे सेम तरीका, ये निकालना है तो एक्स एक्सिस पर बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू हटा दोगे तो इतना मिल जाएगा। कैसे निकलेगा ये? ये क्या है बी, ये क्या है ए, तो बी माइनस ए कर दिया। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए करके ये पोर्शन निकाला था, उसी तरीके से ये मैंने कैसे निकाला? बी माइनस ए सी, ठीक है? तो ए सी और बी सी आ चुके हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि यार टैंजेंट थीटा निकालने के लिए, यानी कि टैन थीटा निकालने के लिए ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, यानी कि ए सी अपॉन बी सी कर दो, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कर दो, ठीक है? ये करना है मेरे को। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं इनको छोटा छोटा करती जाऊंगी तो टेंजेंट मिल जाएगी। टेंजेंट कैसे निकलती है? डेरिवेटिव करके निकलती है। तो कुछ कुछ मतलब यू नो कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के इक्वल मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या हो गई? डेरिवेटिव के इक्वल हो गई किसकी? एफ का। एफ हमारा फंक्शन है तो ये एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। देखो बेटा ये जो मैं समझा रही हूँ ना पूरा, ये सिर्फ एमबीटी को तुम याद रख पाओ हमेशा, इसलिए समझा रही हूँ। ये फॉर्मूला रटना ना पड़े बैठ के, खुद समझ आएगी। हाँ यार ये वाली वैल्यूज माइनस की थी, परपेंडिकुलर आता है ये सब, बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, प्रूफ नहीं बता रही हूँ मैं। तो इससे हमें एफ डैश एक्स मिल गया, लेकिन लेकिन ये जो एक्स है ये एक्स नहीं रहेगा, ये आ जाएगा सी। ऐसा क्यों? देखो भाई ये सी आ जाएगा क्योंकि हमने बात की थी ए से बी में, ए से बी के बीच की हम गारंटी ले रहे हैं और उसके बाहर की नहीं ले रहे। सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है? बाद में मत कहना कॉमेंट में, नहीं नहीं ये तो नहीं था, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ये कैसे हो गया, उस बुक में तो ऐसा हो गया। जस्ट अंडरस्टैंड कि देसी तरीके से ए और बी के बीच की गारंटी लेंगे, उससे बाहर की नहीं लेंगे। इनके बीच में कोई पॉइंट होगा कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पे पॉइंट हो गया सी, तो मैं इस पॉइंट की गारंटी लूंगी कि हाँ भाई ये एफ डैश सी जो है या एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है ना फॉर्मूला है एमबीटी, ठीक है? अब स्टेटमेंट सुन लो, ये थोड़ा सा चित्रकारी से तुम्हें समझ में आ गया। अब हम फटाक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर अगर ये हो गया ना, इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो रोज थ्योरम से 2 मिनट का काम है जी। तो ये है हमारी फॉर्मल डेफिनेशन कि f क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। भाई सीधी सी बात है, तुमने कर्व लिया था, उसमें f a f भी लिया था, तुम क्या बना रहे थे? टेंजेंट बना रहे थे ना। कैसे बना रहे थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके छोटा छोटा। तो यार अगर वो जो कर्व हमने बनाया था वो टूटा टूटा सा होता बीच में तो कैसे काम चलता? कॉन्टिन्यूटी तो चाहिए ही। और जब तुम टेंजेंट बना रहे हो, तुम याद करो इसी चैप्टर की जो डिफरेंशियबिलिटी की हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, सेकेंड वीडियो, उसमें मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। मैंने समझाया था ना कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता, क्वांटिटी मतलब तो होता पेन नहीं उठाना पड़ा, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि नॉच नहीं है, एक पॉइंटेड नहीं है ग्राफ, स्मूथ कर्व है। तो भाई जब डिफरेंशियबिलिटी मतलब स्मूथ का होता है, पॉइंटेड नहीं होता, और तुम अभी जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था किसके लिए? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, वहां पर मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रही थी। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने कहा था कि टेंजेंट बन पाए तभी हम बोल सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी, और यहाँ पे मेरे को टेंजेंट बनानी है मेन वैल्यू में, तो इसका मतलब टेंजेंट बननी चाहिए, इसका मतलब डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम की अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बेसिक कंडीशन है, बिल्कुल बेसिक। तो एफ क्या है? यहां से यहां तक ये तो रियल नंबर्स का सेट है कि वाई एक्सिस पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ए से बी तक आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जब हमने ग्राफ बनाया था तो ए से बी के बीच की गारंटी ली थी ना, तो ए से बी से हम ग्राफ उठा रहे हैं, ए से लेके बी तक का हम ग्राफ उठा रहे हैं। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी कि क्लोज्ड हमारा इंटरवल रहता है, उससे हम जा रहे हैं आर तक, और ये जो है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूअस है कहां से कहां तक? ए से बी तक, क्लोज इंटरवल में।
दूसरी कंडीशन डिफरेंशियबल होना चाहिए, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियबल। देखो जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे होते हैं अक्सर आप देखेंगे आगे भी कि क्लोज इंटरवल लगता है, लेकिन जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। इस बात को ध्यान रखना, इसका भी एक अलग लॉजिक है, तो उसको सर्च करो तुम, फिलहाल ही बताऊंगी मैं। सो डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो एक सी होगा कहीं ना कहीं ए से बी के बीच में, कोई एक सी होगा ए से बी के बीच में। जब हमने ग्राफ बनाया था तो हमने देखा था ना ए और बी के बीच में कोई एक सी हम ले रहे थे, गारंटी ले रहे थे कि हाँ एक सी होगा। तो बोल रहे कि यार देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, ए बी के बीच में यार कोई ना कोई सी तो होगा, सच दैट कि ये काम हो जाए। ये फॉर्मूला, ये तो मैंने समझाया था कि हम अपने देसी जुगाड़ से कैसे इस फॉर्मूले को बना के लाए हैं, और ये इसके इक्वल है डेरिवेटिव के यानी कि टैंजेंट के, राइट। तो इसको देख लो, यही सेम फॉर्मूला होता है रोल्स थ्योरम में भी, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो मैं यही के बता रही हूँ। उससे पहले ये समझ लो कि देयर एग्जिस्ट को इस तरीके से भी लिखते हैं, किसका साइन है ये देयर एग्जिस्ट, ठीक है जी, कि होगा। तो वो क्या कह रहा था, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए बी, तो इसको आप मैथमेटिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक, देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, इतना बड़ा सा इतने से भी लिख सकते हो, तो एग्जाम में यूज करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दिस इज टोटली करेक्ट। देयर एग्जिस्ट सम सी, सम शब्द भी लगा देना यार, इंपॉर्टेंट नहीं है बट लगा सकते हो, देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, या बिटवीन ए बी, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट्स नहीं है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। और रोल्स थ्योरम देखो, दो कंडीशन थी इसमें कि भाई कॉन्टिन्यूटी है और डिफरेंशियबिलिटी है। रोल्स थ्योरम इसका बच्चा है, छोटी सी थ्योरम है, लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, और वो इसलिए क्योंकि रोल्स थ्योरम इसका एक स्पेसिफिक पार्ट है, तो उसमें एक चीज और चाहिए, और वो क्या है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, बस इतनी सी चीज है। ये देखो रोल्स थ्योरम की क्या वेरिएशन है, एक बार बताओ यार, डबल एल आता है ना रोल्स थ्योरम में, तो रोल्स थ्योरम, कुछ लोग इसको रोले भी बोलते हैं, रोलेस थ्योरम, आई डोंट नो विच वन इज एप्रोप्रिएट। एनीवेज इसकी क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन सेम, दूसरी कंडीशन सेम, तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी, और फॉर्मूला सेम, बिल्कुल सेम, यही फॉर्मूला डिट्टो उठा के इसमें लिखना है। लेकिन जब तुम देख रहे हो ये कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, उसमें भी सेम रहती है कहानी कि भाई ए बी से आर तक जा रहे हो, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी। फिर तुमने दिमाग चलाया, तुमने बोला कि यार अगर फॉर्मूला ये है और एफ बी और एफ ए इक्वल है, ये दोनों सेम है बिल्कुल, अगर ये पांच है तो ये भी पांच, ये सौ तो ये भी सौ, इन दोनों को माइनस करोगे क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, जीरो बन जाएगा, क्योंकि एफ बी इक्वल है ना, तो आप बोलोगे कि यार एफ डैश सी जो है ना वो जीरो अपॉन बी माइनस ही आ रहा है, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम ही कहती है कि यार बाकी सब तो सेम है बट एफ डैश सी जो है ना वो जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो, ग्राफ में क्या चीज होती है, देखो इसको मैं रब कर रही हूं, चाहो तो फोटो खींच लो, देखो याद होगा अभी हमने ग्राफ बनाया था दो मिनट पहले ही इस तरीके से, ये ए था और ये पॉइंट जो था हमारा बी था, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब कहानी अलग है, ये ऊपर नीचे थे मीन वैल्यू थ्योरम में, यहां पे एफ ए था और ऊपर एफ बी था, अब वो कह रहे हैं कि एफ ए और एफ बी सेम लेवल पे होंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, ए बी अलग अलग है लेकिन एफ ए और एफ बी सेम। इसको कैसे बना सकते हैं ग्राफ में, इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, मान लो कि ये ए था एक्स एक्सिस पे और ये बी था, ध्यान से समझना, ये ए है ये बी है एक्स एक्सिस पे, अब वो कह रहा है चलो ये दोनों तो अलग है लेकिन जो भी ग्राफ बन रहा है ना अगर इस तरीके से शुरू हुआ है ग्राफ, कैसे मर्जी जाए हमें नहीं पता, लेकिन आके बी पॉइंट पे ग्राफ यहीं पे रुकेगा, इस तरीके से आया ग्राफ,
अब तुम देख रहे हो ये दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे ग्राफ इस तरीके से लहराता हुआ कैसे भी जाए हमें नहीं पता, हो सकता है सिंपल एक उल्टा यू बन के आ जाए या नीचे से निकल के आ जाए, बट ये और ये वाई एक्सिस पर सेम, यहीं पे एफ ए बी है और यहीं पे सेम एफ बी भी है, वाई एक्सिस पे सेम लेवल आ गया, तो उससे क्या हुआ एफ बी माइनस एफ ए जीरो, तो एफ डैश क्या हुआ जीरो, और एफ डैश क्या होता है, एफ डैश जो होता है ना बेटा टेंजेंट, अभी बात की थी टेंजेंट होता है, इसका मतलब वो कह रहे देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी, ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक ऐसा सी होगा जिसके लिए टेंजेंट जीरो है, स्लोप जीरो है बेसिकली, और टेंजेंट जीरो नहीं होती, टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है जो कि टैन थीटा है, वैसा क्यों हो रहा है, जो हमारा टेंजेंट है वो जीरो है मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट, कि अगर आपको बोल दे कि टेंजेंट का स्लोप जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, इसका मतलब होता है कि जो लाइन आ रही है टेंजेंट वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसके बारे में तुम सर्च कर सकते हो, आई डोंट थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं भी समझा पाऊंगी, बट शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये जो डैश है एफ डैश सी, ये एक तरीके से टेंजेंट है, एक तरीके से टैन थीटा भी है, बताया था ना अभी दो तीन मिनट पहले मैंने यहाँ पे लिख के कि टैन थीटा भी है, अगर टैन थीटा जीरो होगा तो थीटा कितना होगा जीरो, टैन जीरो जीरो होता है ना, तो इसका मतलब जो एंगल बनाएगा ना टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, ये नया एक्स एक्सिस, इसके साथ टेंजेंट यहाँ पे मान लो तुमने कि टेंजेंट बनाई इस तरीके से गई, तो ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल है ना, जीरो एंगल बना रही है, अगर ऐसी होती तो कुछ एंगल बना दी, तो इतना वैसे दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जब एफ डैश सी जीरो होता है तो कोई ना कोई एक ग्राफ के ऊपर ऐसी टेंजेंट मिलती है जो लेटी भी होती है, मतलब की फ्लैट, मतलब की एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, और डेफिनेटली अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को बराबर बराबर लेवल पे रखोगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, एक दो ग्राफ और बना के दिखा देती हूँ और क्लैरिटी मिल जाएगी, देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैंने यहां पे इस तरीके से ग्राफ बनाया, यहां पे एफ ए और एफ बी दोनों ऊपर नीचे अलग अलग लेवल पर है ना, तो यहां पे तुम जरूरी नहीं कि ऐसी एक टेंजेंट ढूंढ पाओ जहां पे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये तुमने टेंजेंट बनाई ऐसे निकल गई, ये तुमने टेंजेंट बनाई ऐसे निकल गई, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट बनाऊं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट वो नहीं मिल रही, वो काम कब हो सकता है जब ए और बी के ऊपर वाई एक्सिस का लेवल सेम हो, ये था एफ ए और यही है एफ बी सेम, अब ये यू शेप बन गई, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उस पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि मीन वैल्यू थ्योरम में आप क्या करो, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, बस एफ ए और एफ बी खींच के ना एक साथ लाओ एक लेवल पे, तो डेफिनेटली ग्राफ के बीच में ए और बी के बीच में कोई ऐसा ही पॉइंट मिल जाएगा जिसपे टेंजेंट लेट होगी, ठीक है, इतनी सी चीज है, तो फॉर्मल डेफिनेशन लिखने की जरूरत है वैसे तो, बट यहीं पे हम इसको लिखवा देते हैं क्योंकि सारी कंडीशंस मतलब बहुत ही सिमिलर डेफिनेशन है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है लिख लो आप, रोल्स थ्योरम कहती है लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी सेम कंडीशन, डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी सेम कंडीशन, एंड तीसरी चीज भी एड हो गई ना, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी तीसरी कंडीशन हो गई, देन अब क्या होगा देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग, देखो मैंने मैथमेटिकली लिख दिया देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग फ्रॉम ए टू बी सच दैट, वही फॉर्मूला ये वाला, लेकिन इसमें हमने एफ ए और एफ बी सेम रख दिया था तो हमें क्या मिला एफ डैश सी जीरो मिल गया, सच दैट एफ डैश सी इज जीरो, बस इतनी सी चीज थी, तो ये रोल्स थ्योरम की फॉर्मल डेफिनेशन आप लिख लो, अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूं वो हमें करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके
एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, अगर आते हैं तो एमबीटी से या फिर रोज थ्योरम से। तो मैं एमबीटी करा देती हूँ, एमबीटी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मतलब ज्यादा जनरल है, बड़ी मतलब इट वर्क्स फॉर मोर नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे एमबीटी के लिए क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इन, देखो वन से टू उसने दे दिया, क्लोज इंटरवल दे दिया। अब तुम्हें पता है तुम्हें कंडीशंस चेक करनी होंगी सबसे पहले कि क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक फंक्शन है, उसके लिए मेन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करो, मतलब चेक करके बताओ कि यार ये सब अगर है तो क्या एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए यही फॉर्मूला है। तो मैं बोलूंगी कि यार ठीक है ए और उसने बी दे रखा है, तो एफ बी निकालेंगे एफ ए निकालेंगे माइनस करेंगे वो सब लगाएंगे, बट उससे पहले चेक तो कर लो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है भी या नहीं, हमें पता है बट लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज इन क्वेश्चन में आप बोलोगे एफ एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं है कॉन्टिन्यूअस तो जबरदस्ती नहीं लिखना, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं लिखवा रहा कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो बोल रहा है वेरीफाई और फिर भी उसने ऐसा फंक्शन दे दिया जो कि नहीं है कॉन्टिन्यूअस, तो बोल दो कि भाई दिस फंक्शन इज नॉन कॉन्टिन्यूअस, रोज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड, लिख दो बस ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया इन वन टू टू एंड एफ डैश एक्स लिख दो साथ में कितना आ रहा है टू एक्स, भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो, सो एफ डैश एक्स इज टू एक्स। So, अगर तुमने निकाल दिया डेरिवेटिव तुम बोलोगे f इज, अगली लाइन में लिख देते सो f इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये भी लिख दिया हमने दूसरी कंडीशन। अब क्या करेंगे, नाउ f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, फॉर्मूला भी तो लिखोगे जो अप्लाई कर रहे हो अपॉन b माइनस a, सच दैट पूरी हमने स्टेटमेंट लिख दी, नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए सच दैट सी बिलोंग्स फ्रॉम ए टू बी, ये लिख दिया। अब अप्लाई करना इसको, ऊपर वाला रब कर रही हो फटाफट से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात बताओ एफ डैश एक्स पता है तुम्हें, ये रहा 2x, तो f डैश c चाहिए, यार x की जगह c रख दो ना मिल जाएगा, f डैश c कितना हो गया, f डैश c हो गया 2c, भाई f डैश x 2x तो f डैश c 2c, तो 2c किसके बराबर आ गया, fb माइनस fa, b कितना है 2, कहां से कहां तक गया वन से टू तक, तो fb हो गया f2 और fa हो गया f1 अपॉन में b माइनस ए यानी कि 2 माइनस वन, यही है ना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख दो ब्रैकेट में कि a कितना है 1 और b कितना है 2, ये चीज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अंडरस्टूड है। तो यहां से ये 2c आ गया, अभी हमने फाइंड किया इज इक्वल टू एफ टू, एफ टू कैसे निकालोगे, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एफ टू टू स्क्वायर प्लस वन, तो टू स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट बंद करेंगे जरूर से, अब एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एफ वन वन स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट जरूर लगाना वरना माइनस की गड़बड़ हो सकती है। अब पूरे के अपॉन में वन मतलब खत्म है यार, टू माइनस वन वन हो गया ना, हो गया काम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आप बोलोगे टू सी इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है पांच, भाई दो दुनी चार प्लस एक पांच और माइनस ये कितना आ रहा है टू, पांच माइनस दो यानी कि तीन, टू सी आ गया तीन, इसका मतलब सी कितना आ गया थ्री अपॉन टू, अब आई ना बात थ्री अपॉन टू सी आ गया। अभी तक तो हमने सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करी है, हमें वेरीफाई करनी थी, अभी तक हमने मीन वैल्यू थ्योरम में जो जो कहा वो किया हमने, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट अभी तक हुई नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट ये कहती है देयर एग्जिस्ट सी, कहां लिखा है मैंने
there exists C belonging from A to B. ठीक है, अब A हमारा 1 है और B हमारा 2 है, तो C जो है 3 by 2 belong कर रहा है, check करो ये 1.5 होता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, बिल्कुल बीचों बीच आ गया, मतलब बात सही है, तो बोलोगे and 3 by 2 belongs to 1 to 2, hence mean value theorem verified, MVT पूरा लिख देना, verified, full form लिख देना, ठीक है, अगर Rolle's theorem आती तो क्या हो जाता पता है, ये 5 और ये 2 आए हैं, अलग-अलग आए ना, ये दोनों सेम आ जाते, उससे क्या होता, तुम्हारा 2C जो है 0 आ जाता, और C भी 0 आ जाता, जो भी हमारा उस टाइम पे fx दिया होता, उसके हिसाब से तुम कर लेते, तो जो भी f dash c निकलता वो 0 के इक्वल निकलता, फिर वहां से c की वैल्यू निकालते और चेक करते कि वो ab के बीच में आ रहे हैं या नहीं, a और b आपको गिवन होंगे इन क्वेश्चंस में, बट सबसे पहले आपने क्वांटिटेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में लिखना है, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं उसे पढूं और समझूं कि तुम्हें क्या नहीं समझा पाई मैं, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, तो कमर कस लो, कमर नहीं कमर कस लो क्वेश्चंस के लिए, बी प्रिपेयर्ड, और जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट छूट रहे इस चैप्टर में उनको समझो, इंट्रोडक्शन वीडियोस के सारे पार्ट्स देखो, और या दैट्स इट, यू कैन टेल मी समथिंग इफ यू वांट टू इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक माय वीडियो, शेयर आवर चैनल, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, बाय बाय.